वादी कश्मीर के एक बीजेपी लीडर ने एक टूरिस्ट फैमिली को अगवा किया और उसके बाद उन्हें हरास किया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब ये टूरिस्ट फैमिली अपनी गाड़ी में बैठकर पहलगाम से वापस जम्मू की ओर आ रही थी। रास्ते में पहलगाम रोड पर इनकी गाड़ी बीजेपी लीडर सिद्दीक खान की गाड़ी से टकरा जाती है, जिसके बाद इन टूरिस्ट्स और इस बीजेपी लीडर के बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये टूरिस्ट इस बीजेपी लीडर से ये कहते हैं कि आपकी गाड़ी पर जो स्क्रैच वगैरह आए हैं हम इसका पैसा आपको दे देंगे, आप अपनी गाड़ी को ठीक करवा लीजिएगा। लेकिन ये बीजेपी लीडर इन टूरिस्ट की गाड़ी में बैठकर इन्हें यहाँ से अगवा करके अनंतनाग सोसाइटी कॉलोनी जो है वो ले जाता है और उसके बाद इन्हें वहीं पर रखता है। लेकिन फिर जब इन टूरिस्ट्स ने पुलिस को कंप्लेंट की और पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस बीजेपी लीडर, इसकी बीवी और इसके बेटे को हिरासत में ले लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया, और इस बीजेपी लीडर की पहचान सिद्दीक खान के तौर पर हुई है। आपको बता दें कि एतवार शाम का ये सारा मामला है जब एक गाड़ी जो टूरिस्ट फैमिली को लेकर जो जम्मू की तरफ आ रही थी, यानी ये टूरिस्ट जो है ये पहलगाम गए हुए थे, अनंतनाग पहलगाम रोड पर इनकी गाड़ियां टकरा जाती हैं, जिसके चलते इस बीजेपी लीडर की गाड़ी पर थोड़े से स्क्रैच आ जाते हैं। लेकिन जो टूरिस्ट फैमिली थी ये बात भी मान गई कि आपकी गाड़ी पर स्क्रैच आए हैं तो आप हमसे पैसा ले लीजिए, आप अपनी गाड़ी को ठीक करवाइए। लेकिन इस बीजेपी लीडर ने इस पूरी फैमिली को अगवा किया और अगवा करने के बाद इससे अनंतनाग हाउसिंग कॉलोनी लेकर आया और इनकी गाड़ी जो है वो अपने कब्जे में रखी। और मंडे मॉर्निंग को ये टूरिस्ट फैमिली पुलिस को अप्रोच करती है, एक कंप्लेंट जो है वो इस बीजेपी लीडर के ख़िलाफ़ जो है वो दायर करती है, जिसके बाद पुलिस ने इस सिद्दीक खान को, इसकी बीवी और इसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। और इस एक टूरिस्ट का ये कहना है कि इसने फिज़िकली भी हम पर हमला किया, उसके बाद ये हमारी गाड़ी में बैठ गया और हमारी गाड़ी में बैठकर हमें ये हाउसिंग सोसाइटी अनंतनाग ले गया और हमें ऐसा लग रहा था कि ये हमें पुलिस स्टेशन ले जाएगा, लेकिन पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय ये हमें हाउसिंग सोसाइटी अनंतनाग में ले गया और वहाँ पर इसने हमें रखा। ये कहना है एक विक्टिम मुबशिर का। और इस विक्टिम ने यहाँ के लोकल्स का भी शुक्रिया किया कि यहाँ के लोकल्स ने हमें यहाँ से बाहर निकालने में मदद की, इन्होंने हमें पैसे दिए और रात को रुकने के लिए भी हमें जगह दी। और आपको बता दें कि एक अलग से मामले में गुज़श्ता साल भी अनंतनाग पुलिस ने इस बीजेपी लीडर सिद्दीक खान को गिरफ्तार किया था जिंसी इस्तेसाल के मामले में। लेकिन आप देखें कि किस तरह से टूरिस्ट यहाँ से बाहर से आकर वादी कश्मीर में घूमने जाते हैं, वहाँ पर सैर व तफरी के लिए जाते हैं, अगर छोटी छोटी बातों को लेकर टूरिस्ट के साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा, इस तरह का रवैया अख्तियार किया जाएगा, तो क्या आने वाले वक्त में वादी कश्मीर में कोई टूरिस्ट जाएगा? और अगर वहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो आप जानते हैं कि कश्मीर के लोगों का कितना नुकसान जो है वो हो सकता है, माली नुकसान खासकर हम बात करें, क्योंकि बाहर से टूरिस्ट आते हैं, वो वहाँ पर घूमते हैं, वो वहाँ पर शॉपिंग करते हैं, वो वहाँ पर नई नई चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बीजेपी लीडर सिद्दीक खान ने सरेआम अपनी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए इसने इस पूरी टूरिस्ट फैमिली को यहाँ से अबडक्ट किया, यानी अगवा किया और इनकी गाड़ी भी अपने कब्जे में रखी। हालांकि कोई बड़ा मामला नहीं था, छोटी सी गाड़ियां टकरा गई थी, छोटे छोटे क्रैश इसके गाड़ी पर आ गए थे और टूरिस्ट फैमिली ने इसे ये भी कहा था कि आप हमसे पैसे ले लीजिए और अपनी गाड़ी के स्क्रैच ठीक करवाइए, लेकिन नहीं, इस बीजेपी लीडर ने अपनी गुंडागर्दी दिखाई और इनकी गाड़ी में बैठकर इन्हें हाउसिंग सोसाइटी अनंतनाग पहुँचा दिया, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने इससे टूरिस्ट फैमिली को पैसे दिए, रात को रहने के लिए जगह दी और इन टूरिस्ट ने वहाँ के मुकामी लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। बहरहाल अब पुलिस ने इस बीजेपी लीडर, इसकी बीवी और इसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह की तहकीकात और किस तरह की कार्रवाई इस बीजेपी लीडर के ख़िलाफ़ रहती है, क्योंकि बाहर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और टूरिस्ट यहाँ पर आकर कश्मीरियों की खासकर तारीफ़ करते हैं कि कश्मीर जैसी कोई जगह नहीं और कश्मीरियों जैसे लोग नहीं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा कश्मीर जो है वो बदनाम हो जाता है, पूरे कश्मीरियत पर जो है वो उंगलियां उठती हैं और वो इसी तरह के लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर
टूरिस्ट के साथ बदसलूकी अख्तियार करते हैं।